स्वागत है आपका न्यूज टाइम मीडिया में। न्यूज टाइम मीडिया की टीम एक शो चला रही है हेल्थ टाइम, जिसमें हम लोग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को दिखाते हैं और डॉक्टर से आपको सीधा मिलवाते हैं कि किस तरह से आप उन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकें और कैसे डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी बीमारियों के बारे में ज़्यादा अच्छा उपचार ले सकें। तो इस टाइम हम मौजूद हैं लखनऊ के KGMU अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव गुप्ता जी। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि आजकल लोग सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो सिस्टम पे ही करते हैं और उनका जो ज़्यादातर काम है वो डिजिटल हो चुका है, इस वजह से उन्हें करना भी पड़ता है। लेकिन इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इसके क्या दिक्कतें आती हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? मैं इसको बड़े तसल्ली से समझाता हूँ जी। एक हम लोगों का अपना एक नेचुरल बिहेवियर है आपका, कि जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं तो जो पलक का भांजना या ब्लिंकिंग है जो, ये कम हो जाता है। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना चाहते हैं तो आप बीच में बाधा नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लिंकिंग है या जो पलक का चलना है, ये एक बेहद ज़रूरी काम है, इसलिए क्योंकि कुदरत ने आँख को कुछ इस तरह का बनाया है कि इस पर जो पलक ये चलती है, ये आँख के कई सारे काम करती है। एक तो आँख को सुरक्षा देती है, दूसरा जो आँख में आंसू हैं ये ग्रेविटी के कारण नीचे इकट्ठा रहते हैं, ऊपर से जब पलक आएगी तो उस आंसू की लेयर को टच करेगी और फिर जब ऊपर जाएगी तो वो उस आंसू को या उस नमी को आँख की पूरी सतह पे फैला देती है। हर एक ब्लिंक के साथ ये प्रक्रिया होती है कि आँख की पूरी सतह नम हो जाती है। कोई गंदगी अगर आँख में पड़ गई है तो ब्लिंकिंग से उसको आंसू के जरिए किनारे खिसका देती है। तो पलक का चलना बहुत ज़रूरी है आँख के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इसके विपरीत जब हम लोग कोई चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे तो ब्लिंकिंग कम हो जाती है। अब इस ब्लिंकिंग के कम होने से ही सारे दुष्परिणाम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कंप्यूटर लैपटॉप ये जो डिजिटल स्क्रीन है इससे प्रभाव पड़ता है, वो है ब्लू लाइट। जो ब्लू लाइट है, हम लोग अपनी आँख से इंद्रधनुष के सारे रंग देख सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हम लोग नहीं देख सकते, जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड। लेकिन ये इंद्रधनुष के जो सात रंग हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ब्लू लाइट जो है स्पेक्ट्रम का एक सिरा है और रेड लाइट उसका दूसरा सिरा है। इन जो वेवलेंथ हैं या जो कलर हैं लाइट के, इससे हम लोगों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि देखा गया है कि जो ब्लू लाइट है वो हम लोगों को जो सर्केडियन रिदम होता है, सर्केडियन रिदम मतलब ये जो जागने और सोने की जो प्रक्रिया है, कि हमारे दिमाग को पता होता है कि अब रात है, सोना है, दिन है, जगना है, ये क्लॉक लगी है, एक घड़ी लगी है दिमाग में जो इस ब्लू लाइट से चलती है। लेकिन जब हम लोग इस ब्लू लाइट को अत्यधिक या एबनॉर्मल टाइम पर देखेंगे, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो शाम और रात के समय आकाश थोड़ा सा लाल होता है और दिन में ब्लू रहता है, और ये प्रक्रिया इस बात को तय करती है कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किस तरह से काम करेगा। जब आप रात को ब्लू लाइट से एक्सपोज होते हैं तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, जो सर्केडियन रिदम है, जो क्लॉक लगी है, उसकी व्यवस्था बिगाड़ देती है। तो मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन से जो एक बात मैंने बताई कि हम लोगों का अपना बिहेवियर की ब्लिंकिंग कम कर देंगे, और दूसरा जो ब्लू लाइट आँख में अंदर आ रही है और ब्रेन उससे प्रभावित हो रहा है, उसे स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। ये दो सीधे इफेक्ट हैं जो उस स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए गेम खेलना है, उन्हें लगता है मज़ा आता है, वो डिस्ट्रैक्शन दूसरे पहलू है जिसमें कि बच्चा अपने ज़रूरी काम छोड़ के उसमें बिजी रहता है, लेकिन आँख पे इनसे सीधा प्रभाव पड़ता है। सो ये डिजिटल स्क्रीन का जो नुकसान है वो मैंने बताया। अब जो आपका सवाल था कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये इस बात से जुड़ा होता है कि जब हम लोग ब्लिंकिंग कम करेंगे तो आँख में ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, और ये ड्राइनेस ना केवल तकलीफ़ देती है, ये आँख की जो व्यवस्था है उसको भी बिगाड़ देती है। तो आँख में खुजली होना, धुंधला दिखना, आँख में कीचड़ आना, ये सब बातें उसी वजह से जुड़ी हैं, जैसे कि बुनियादी
जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो आंख नॉर्मल नहीं रही। सर ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसका संकेत लगभग कितने पहले से मिल जाता है और इसका क्योर कैसे किया जा सकता है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के अमूमन जो लक्षण है, जैसे मैंने बताया, आँख में चुभन होना, आँख से आंसू आना, जब नमी कम होने लगती है तो बहने वाले आंसू आ जाते हैं जो आँख में डबडब आएंगे, आँख में खुजली होना, आँख से थोड़ा धुंधला दिखना, एकाग्रता ना कर पाना, सर में दर्द होना, ये सब बातें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से जुड़ी हैं। अब इसको रोकना या उसका इलाज की बात करें तो पहले रोकने की बात करते हैं। मैंने जैसा बोला कि इसकी वजह जो सिरे से जो वजह है वो ये है कि पलक का चलना कम हो जाता है, तो मैं अमूमन अपने मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि आप जब भी जो काम करें उसमें ख्याल रखें कि पलक चलाना है, अच्छे से चलाना है, और भूलिए नहीं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या महीन चीज़ देखते समय बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग पलक कम चलाएँगे, लेकिन इसको दिमाग में अगर रखेंगे तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा काम जो कर सकते हैं वो ये, इसको हम लोग कहते हैं 20-20-20 का रूल, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फिट कोई चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट खिड़की के बाहर कमरे के अंदर, उसको देखें। 20 मिनट में ब्रेक लेना है और 20 सेकंड के लिए 20 फिट दूर कोई चीज़ है उसको ध्यान से देखें। इससे आपकी जो 20 मिनट का ब्रेक दिया उससे जो आँख में जो ड्राइनेस बन रही थी, जो पलक झपकना रुक गया था, उससे जो नुकसान हो रहा था, ये ब्रेक हो जाएगा। 20 सेकेंड तक जब आप उसको देखेंगे और पलक झपकाएंगे तो जो आँख में जो मांसपेशी नज़दीक का फोकस करे हुए थी, थक रही थी, वो रिलैक्स हो जाएगी, और इतना करने से आपकी आँख में इस तरह की समस्या कम आएगी। दूसरा, एसी की हवा जो है, क्योंकि ये सब चीज़ें आँख में नमी से जुड़ी हैं, एसी की हवा में नमी कम होती है, हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि देखा होगा कि एसी जब चलता है तो उसमें से पानी बहता रहता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी उस हवा से आ रहा है जो आपके कमरे में पहुंच रही है, लेकिन पानी निकाल के, तो हवा में जो पानी था वो कम हो गया। अब जब ये हवा आपकी आँख को छुएगी तो क्योंकि वो ड्राई है तो वो पानी खींचेगी, तो आँख के आंसू या मॉइस्चर का इवेपोरेशन एसी में बढ़ जाता है, तो इसलिए ड्राइनेस थी इसमें, एसी की हवा ने और समस्या जोड़ी। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कंप्यूटर जहाँ लगे होते हैं या जिस तरह का ऑफिस का माहौल होता है उसमें अमूमन एसी लगा होता है, जिसका ठंडा या गर्म करने की क्षमता या कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वो व्यवस्था अलग चल रही होती है। अब इसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जिसके पास ऐसा एसी है जो अपना कंट्रोल कर सकता है, तो उसको मैक्सिमम टॉलरेबल टेम्परेचर पर रखिए, जितना ठंडा करेंगे हवा उतनी ड्राई होगी। नहीं है कंट्रोल तो एक काम ही कर सकते हैं, एक कमरे में गमला रखिए या एक पानी का बर्तन रखिए, जिससे कि जो नमी आँख हवा को चाहिए वो आपकी आँख से तो खींच रही है, लेकिन उसको कुछ हिस्सा उस बर्तन में रखे हुए पानी से मिले, चौड़े मुँह का बर्तन हो, और ये हेल्प करेगा जी। पौधे रख सकते हैं कमरे में, पौधे नेचुरली पानी इवेपोरेट करते हैं, हवा में नमी जोड़ते हैं, तो कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया नमी की कमी से होती है, और उसको ही बैलेंस करने की प्रक्रिया ही उसका रोकथाम है। अब अगर हम लोग सोचें इलाज की बात, तो जब हो गया किसी को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और वो ये सब चीज़ें करेगा तो कुछ हद तक बीमारी अपने आप दुरुस्त हो सकती है, लेकिन तब भी तुरंत रिलीफ के लिए आँख में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं जो आंसू का सब्स्टिट्यूट हैं और आँख में नमी बढ़ाती हैं, तो ये बहुत नाम से आती हैं, और इनमें बेसिकली जो पदार्थ होते हैं उसमें पानी और कुछ इस तरह का पदार्थ होता है जो उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है, जिससे वो आँख में चिकनाहट पैदा करता है, यही पर्पज़ होता है दवाई। इसके अलावा जिनका इससे आराम नहीं चलता है उनके लिए फिर और दवाइयाँ हैं जो मेरे ख्याल से डॉक्टर की देखरेख में ही चलनी चाहिए। सर आपके पास लगभग इस तरह की कितनी समस्याएं आती हैं? अमूमन समझिए कि एक ओपीडी में अगर 200 मरीज हैं तो यंग एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनमें अगर हम मान लें कि मान लीजिए 50 यंग एज ग्रुप के लोग हैं तो आधे इसी समस्या से आते हैं कि आँख में चुभन होती है, मोबाइल देखते हैं तो देख नहीं पाते, थोड़ी देर में थकने लगती है, आँख नींद आने लगती है, आँख में कीचड़ आता है, आंसू आता है, तो आप समझिए कि यंग एज ग्रुप जो इसमें एंगेज रहते हैं उनमें से आधे लोग प्रभावित हैं। सर डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से आजकल के दिन में नहीं कम कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं, तो लेकिन एक साइड अलग इसे भी हटा दिया जाए तो इसके क्योर के लिए, मतलब ये बीमारी है इसको हम देखें अगर,
तो ये डिजिटल चीज़ें कितनी कम यूज़ करनी चाहिए या फिर कोशिश करें कि इससे दूर रहें। देखिए मजबूरी हम लोगों की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ सामने कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी सब लोग डिजिटल स्क्रीन पर ही देखेंगे, वो वक्त की ज़रूरत है, उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, ये संयम हम लोगों को खुद रखना है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैं कहूँ कि साहब तम्बाकू नुकसान करता है, मत पीजिए सिगरेट बीड़ी, सबको मालूम है, सरकार इस पर अच्छा खासा प्रचार करती है, खर्चा करती है, सबको मालूम है, लेकिन वो दुकान पे आएंगे तो भीड़ लगी होगी। ये संयम हम लोग को खुद रखना है कि जो चीज़ नुकसान कर रही है उससे बचें। इसमें डॉक्टरी राय से ज़्यादा अपनी समझ की ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है उतना करिए, नहीं है ज़रूरी मत करिए। आपका शरीर खुद ही बता रहा है कि एक्सेस हो रहा है, उसके शरीर की सुनिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि डिजिटल स्क्रीन का उपयोग कम किया जाए, और अगर करना है तो जिन बातों का मैंने बताया, जैसे मॉइस्चर मेंटेन रखें, जैसे 20-20-20 का मैंने नियम बताया, कमरे में एक रोशनी का अनुपात सही रखें, जितना स्क्रीन ब्राइट है कमरा भी उतना ब्राइट है, ये ना हो कि कमरा दे रहा है स्क्रीन ब्राइट है, ऐसे में नहीं काम चलेगा, आपके जोर पड़ता है, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये ऐसी समस्या है जो आजकल युवाओं में और लगभग सभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इसका इलाज खुद ही आपके पास है। आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अपनी काम को तो करिए, लेकिन एक टाइम लिमिट को मेंटेन रखने के साथ, एक टाइम लिमिट मेंटेन रखिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आँखों का मॉइस्चर सबसे पहले खो जाता है इन सारी चीज़ों से, तो लाइट जो है उसे मेंटेन रखिए और उसी में अपना काम करिए, और अपने आँखों के मॉइस्चर के लिए जितनी भी ज़रूरी बातें उन्होंने बताई उसका खास ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।